आज मैं 14 बातें आपको COVID-19 के बारे में बताना चाहता हूं, जो डेयरी व्यवसाय वालों को जाननी बहुत जरूरी है। इन 14 बातों का ध्यान रखकर आप अपनी डेयरी का व्यवसाय अच्छे से कर सकते हैं और देश की मदद कर सकते हैं। दूध जो ऐसा पदार्थ है जो बहुत जरूरी है घरों घरों में पहुंचना, उससे आपकी डेयरियां चलती रहेंगी और लोगों तक दूध पहुंचता रहेगा। मेरा नाम अमरदीप सिंह चड्डा है और मैं चड्डा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी डेयरी इक्विपमेंट और यंत्र बेचती और बनाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दूध एक असेंशियल कमोडिटी में आता है और उसकी वजह से सरकार ने डेयरियों को चालू रखने की अनुमति दी है, और डेयरी व्यवसाय जितने भी डेयरियां हैं वो सब मिलजुल कर पूरे देश के दूध की खपत के लिए काम कर रही हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर वो दूध का प्रोसेसिंग कर रही हैं, कलेक्शन कर रही हैं और डिलीवरीज कर रही हैं। सबसे पहले मैं ये कामना करना चाहता हूं कि डेयरी के व्यवसाय में सारे जुड़े लोग वो सब सुरक्षित रहें, और जो डेयरीज हैं वो हर कदम उठा रही हैं कि ये पूरी चेन स्वस्थ रहे और कोई भी इसके अंदर इस महामारी का शिकार ना हो। जो डेयरी व्यवसाय में लगे हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलके ये सिक्योर कर रहे हैं कि दूध सही तरीके से घरों में पहुंचे। एक और बहुत जरूरी बात जो मैं आज संदेश देना चाहता हूँ, COVID-19 और दूध का कोई लेना देना नहीं है। अगर दूध पैश्चराइज है और पैश्चराइज प्रोडक्ट है तो किसी को भी दूध से बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं है। जो मैं सिर्फ इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे हमारे डेयरी व्यवसाय स्वस्थ रहें और डेयरी हमेशा अच्छे से चलती रहे और लोगों तक दूध पहुंचता रहे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आपके कुछ कमेंट है तो कमेंट कीजिएगा और सभी डेयरी व्यवसाय वालों तक भेजिएगा। तो सबसे पहला है हाइजीन। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी डेयरी फार्म हो या डेयरी प्लांट हो या मिल्क कलेक्शन सेंटर हो या डेयरी की रिटेल की शॉप हो, वो बिल्कुल साफ और सुथरी रहे, हाइजीन मेंटेन हो। जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए हाथ धोने का साबुन और सैनिटाइजर जगह जगह मौजूद रहना चाहिए। जो सीनियर मैनेजमेंट डेयरी के अंदर हैं उनको डेयरी वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए साफ सफाई और हाइजीन का ख्याल रखने के लिए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग। जितने भी डेयरी के व्यवसाय में कर्मचारी हैं उनको एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर आवश्यक ना हो तो एक दूसरे के पास नहीं आना चाहिए, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। हम बहुत नॉर्मल तौर के अंदर जब हम काम करते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, तो ये सब आदतें हमें छोड़नी होंगी और इससे दूर रहना होगा। जो भी डेयरी कर्मचारी हैं वो स्वयं ही अपना एग्जामिनेशन खुद करें, रोज सुबह अपना टेम्परेचर चेक करें, अपना हेल्थ का ख्याल रखें। अगर किसी को भी लगता है कि उनकी हेल्थ खराब है या बुखार है या गला खराब है या कोई भी किसी भी टाइप की बीमारी है तो वो उस दिन डेयरी पे ना जाए। तीसरा, अपनी डेयरियों में वो जगह की पहचान करना जहां COVID-19 का फैलने का खतरा हो सकता है, जैसे रिसेप्शन एरिया जहां दूध आता है, जहां काफी लोग रहते हैं, जहां ड्राइवर्स आते हैं, बाहर से लोग आते हैं और दूध देते हैं। तीसरा, सफाई का, जहां काफी लोग मिलके सफाई करते हैं। चौथा, मिल्क कलेक्शन सेंटर्स के ऊपर और जो भी जगह आपको लगती है कि जहां लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है उसको अलग से मार्क किया जाए, रेड अलर्ट एरिया घोषित किया जाए और वहां सर्कल या स्क्वायर्स बना के डिस्टेंसिंग की मार्किंग करी जाए कि जिससे लोग एक दूसरे के पास ना आए। चौथा, इंटरनल मीटिंग्स। अगर आपको डेयरी में आपको एक किसी ग्रुप के साथ या कुछ लोगों के साथ बात करनी है, मीटिंग करनी है, तो वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो खुली हो, हवादार हो, जहां वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, खुले में हो, ओपन ओपन जगह पे हो, तो वहां ही मीटिंग्स होनी चाहिए। पांचवा, डिसइन्फेक्शन। तो जैसे कि हम डेयरीज के अंदर हम नॉर्मल तरीके में ही डिसइन्फेक्शन यूज करते हैं और डेयरी की पाइप्स और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को हम डिसइन्फेक्ट नॉर्मल तरीके से भी करते हैं, मगर COVID-19 के चलते हमें पूरी डेयरी को मेजरली डिसइन्फेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें बाहर से भी जो हमारी मशीनें हैं, जहाँ भी हमारे हाथ लगते हैं, जहाँ भी दरवाजे हैं, जहाँ भी हमारे कोल्ड रूम हैं, जहाँ भी हमारी प्रोसेसिंग मशीनरी है, पैश्चराइजर्स हैं, क्रीम सेपरेटर्स हैं, होमोजेनाइजर्स हैं, जहाँ जहाँ हम हाथ लगाते हैं, जहाँ जहाँ हम मेंटेनेंस करते हैं, मिल्क के कैन हैं, उनको हम इक्विपमेंट्स को बाहर से और अंदर से दोनों तरह से स्प्रे करके पूरे डेयरी के अंदर डिसइन्फेक्शन होनी चाहिए और वो भी दिन में 2 बारी हमें डिसइन्फेक्शन करनी चाहिए। छठवां, सेफ्टी गियर्स।
जो भी हमारे डेयरी के जो जगह है उसके अंदर कोई भी हमारा एम्प्लॉय आता है या कोई विजिटर आता है, उनको पूरे सेफ्टी गियर्स पहन के ही अंदर आना है, जैसे कि दस्ताने, कैप, एप्रन, शूज, जिससे कि कोई भी हमारा अंग जो है शरीर का वो ओपन टू एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। सातवां, जो भी हम यूनिफॉर्म पहनते हैं या जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी वर्कर्स हैं, जो डेयरी पे काम करने वाले कपड़े अपने अलग डेयरी में ही रख जाते हैं और वही उतार के और अगले दिन सुबह वही डेयरी पे कपड़े पहन के काम करते हैं, तो ऐसा COVID-19 के चलते नहीं होगा। आपको रोज कपड़े चेंज करने हैं और रोज जो कपड़े पहने हुए हैं वो धोने हैं, अच्छे से साफ करके अगले दिन साफ कपड़े पे काम पे आना है। आठवां, मल्टीटास्किंग, जिसको हिंदी में बहुकार्यम भी कहा जाता है। हमें मालूम नहीं है कि कोरोना वायरस हमारे को कितने समय समय तक हमारे को इससे लड़ना पड़ेगा, तो इसमें जरूर हो सकता है कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो सारे एक जगह पे एक टाइम पे अवेलेबल हो या ना हो, तो उसके लिए हमारे को मल्टीटास्किंग सीखनी होगी। एक आदमी को दूसरे का काम आना चाहिए, दूसरे आदमी को तीसरे का काम आना चाहिए, तो जो कर्मचारी नहीं है उनकी जगह जो अवेलेबल कर्मचारी हैं वो उनका काम कर सकते हैं और डेयरी को आगे बढ़ा सकते हैं। नौवा, विजिटर रिकॉर्ड्स, आपको जो भी बाहर का आदमी आ रहा है उसका जानकारी विजिटर रिकॉर्ड बुक में डालनी है, क्या नाम है उसका, क्या एड्रेस है और क्या टेलीफोन है। ये विजिटर बुक मेंटेन करनी भी मैंडेटरी है कि कल को अगर आपको पता लगता है कि किसी को ये कोरोना वायरस हुआ है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें और उसकी हम देखभाल कर सकें। इसके अंदर सारे व्यक्तियों का रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे हमारे डेयरी के अंदर अगर कोई गाड़ी आती है, कोई ड्राइवर आता है, या कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है, या कोई डीलर आता है, या कोई मशीन रिपेयर करने आता है, तो हमें सबका रिकॉर्ड अपनी डेयरी के अंदर संभाल के रखना होगा। दसवां, सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट। जितने भी डेयरियों के अंदर अगर आपके मल्टीपल दरवाजे हैं या मल्टीपल एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं, आप उसको बंद कर दीजिए। सिर्फ एक गेट ही चालू रहेगा जिसके अंदर हम रिस्ट्रिक्शंस रख सकें, रिकॉर्ड रख सकें कि जिससे कौन आदमी अंदर आया है और कौन बाहर गया है, कोई बाहर का कोई फालतू का आदमी डेयरी व्यवसाय की जगह पे ना आए। ग्यारहवां है वॉलंटियर्स को ढूंढना। वॉलंटियर्स को ढूंढने का मतलब ये है कि अगर कल को ये बीमारी ज्यादा फैलती है तो हमें व्यवसाय के लिए लोगों की कमी पड़ेगी, तो आपके नेबरहुड के अंदर, आपके कंपनी के अंदर जितने लोग हैं, आपके पड़ोस में जितने जानकार हैं, आपके आसपास के जो गांव हैं, आप सब पे मैसेज पहुंचाइए कि ये डेयरी है जो एक कंपलसरी चलनी ही चलनी है, जो कि असेंशियल प्रोडक्ट में आती है, तो कोई भी आदमी या कोई भी पर्सन आके हमारी कंपनी के अंदर काम सीख सकता है और वॉलंटियर कर सकता है कि डेयरी चलती रहे। आप उनके नाम लिख लेंगे और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उनको बुलाएंगे। आप पुराने स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी ये आमंत्रित भेज सकते हैं कि आपको लोगों की जरूरत है आपकी डेयरी चलाने के लिए। 12वां, डेयरी से डेयरी का सहयोग। तो इस समय जो भी लोग डेयरी व्यवसाय में जुड़े हैं उन सबको मिलजुल कर इकट्ठा होकर काम करना चाहिए, एक दूसरे की जो ताकत है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त काफी डेयरी जो रेस्टोरेंट, होटल्स, हाईवेज को डेयरी के उत्पाद सप्लाई करती हैं वो काफी डेयरी बंद हैं, क्योंकि काफी इंडस्ट्री COVID-19 चलते अभी काम नहीं कर रही है तो वो खाली पड़ी हैं। आप उन डेयरियों का लिस्ट बना सकते हैं, उन कौन कौन सी जगह पे हैं वो आप एक लिस्ट बना सकते हैं, और जब जरूरत पड़े तो आप उनकी मदद से अपने डेयरी का सामान अगर पहुंचाना हो तो पहुंचाने का काम ले सकते हैं, या मिल्क कलेक्शन का काम हो तो मिल्क कलेक्शन का काम ले सकते हैं, या मिल्क प्रोसेसिंग का काम हो तो मिल्क प्रोसेसिंग का काम ले सकते हैं। 13वीं बात वो है इन्वेंट्री और मेंटेनेंस पे। कई बार हम काम करते करते भूल जाते हैं कि जरूरी नहीं कि जो डेयरी के अंदर चीजें हमें चाहिए वो कंपनियां या वो फैक्ट्रियां भी चल रही होंगी, तो आप समय आने से पहले ही अपनी इन्वेंट्री चेक करें, जो जरूरी चीजें हैं अगर वो डेयरी में कम हैं उनको चलाने के काम आने वाली हैं आप उसको भरें। आपके पास अगर कोई स्पेयर पार्ट्स की कमी है तो आप उसके ऑर्डर दें, अपने स्पेयर पार्ट्स वहां रखें कि कल को जरूरत आने पे वो स्पेयर पार्ट यूज कर सकें। अगर आपको मेंटेनेंस के अंदर कोई काम करना है या मशीनों की सर्विस करानी है तो वो भी आप जल्द से जल्द करा के रखें कि जरूरत पड़ने पे आपकी मशीनें आपके लिए काम आए। आखिरी 14वां नंबर है लीडरशिप।
आज की डेट में जो हमारे उच्च कार्यकर्ता हैं डेयरियों को, उनको सामने आना है, अपनी लीडरशिप दिखानी है। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जो हमारे मिस्टर सोनी हैं, जो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक अखबार में बयान दिया कि दूध की कमी नहीं होने देंगे, सबको दूध मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और कभी भी इसकी शॉर्टेज नहीं होगी। तो इस तरह से लीडरशिप रोल्स हमारे को लेकर आने हैं। डेयरी व्यवसाय के जो ओनर्स हैं या जो टॉप मैनेजमेंट में हैं, उनको आगे आना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए सभी डेयरी व्यवसाय में काम करने वालों का, कि वो अच्छे से काम करें और इस पूरे देश की अंदर दूध की कमी बिल्कुल नहीं आ रही। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये 14 बातें पसंद आई होंगी। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपकी डेयरी लंबी चलती रहेगी। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने एम्प्लॉयज को भेजें, अपने साथियों को भेजें, डेयरी ओनर्स को भेजें, डेयरी को ओनर्स को भेजें, जिससे ये जानकारी जितनी फैलेगी उतने ही हमारे देश के लिए अच्छा होगा और अब हम सब मिलकर इस COVID-19 का सामना कर पाएंगे। आपका मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपके कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उसका खुशी से जवाब देंगे।